दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस प्रॉब्लम के बारे में जो कि हमको यहाँ पे पिक्सल लैब में देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखिए पिक्सल लैब जैसे मैं ओपन करूंगा तो ये इंटरफेस मेरे सामने आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने ऐप को रिस्टार्ट कीजिए और आपको परमिशन को एक्सेप्ट करना सेटिंग्स में जाके। अब यहाँ पे मैं यदि इसको क्लोज कर दूं तो ये क्लोज हो जाता है और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके गैलरी से कुछ भी चीज ऐड करने के लिए जाऊंगा तो मेरे सामने ये दिक्कत फिर से आ जाती है। तो इसको फिक्स करने के लिए आप क्या करते हैं, सेटिंग्स में चले जाएंगे, आपका जो ऐप का इन्फो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ऐप परमिशंस को अगर इनेबल करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको परमिशन इनेबल करने का भी कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। यहाँ पे नो परमिशन अलाउड लिखा हुआ है और नो परमिशन डिनाइड लिखा हुआ है, यानी कि हमको यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा भी नहीं दे रखा है कि हम उस पर क्लिक करके जैसे कह रहा है कि स्टोरेज की परमिशन दे दीजिए। अगर मैं स्टोरेज पर क्लिक भी करूँ तो स्टोरेज यहाँ पे हमको शो ही नहीं हो रहा, तो हम परमिशन किस चीज की देंगे, यहाँ पे परमिशन यहाँ पे शो भी नहीं हो रही है। अब इस मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आप कैसे फिक्स कर पाएंगे। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर में चले जाना है और वहां पे जाके आपको सर्च करना है पिक्सल लैब ओल्ड वर्जन, इस तरीके से आपको सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट देखने में मिलेगी ये अप टू डाउन वाली, तो यहाँ पे ओल्ड वर्जन ऑफ पिक्सल लैब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि आपको पता है जैसे कि ये प्रॉब्लम कुछ ही दिन से चल रही है, पिछले 10-15 दिन से, तो यहाँ पे पिछले 10-15 दिन का तो हम ऐप यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करने वाले, हमको पिछला कोई ऐप इंस्टॉल करना है, पिछला कोई वर्जन इंस्टॉल करना है। यहाँ पे पहला लेटेस्ट 30 अक्टूबर का है, इसको तो हम इंस्टॉल बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद 16 अगस्त का है, चलो इसको भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद 18 अप्रैल, ये हमको लग रहा है कि हाँ भाई ये 5-6 महीने पुराना है, तो हम क्या करेंगे इसी को इंस्टॉल करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड आ चुका है, डाउनलोड फ्री, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये इंटरफेस आता है, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना है और आपकी फाइल जो डाउनलोड होने लग जाएगी। तो यहाँ पे हम 3 डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ पे हमारा ऐप आ चुका है। अब इस वर्जन को इंस्टॉल करने से पहले आपको पुराने जो पिक्सल लैब आपने इंस्टॉल कर रखा है उसको आप अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल होने के बाद अब यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करेंगे, तो पिक्सल लैब पर क्लिक करूँगा, मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारा ऐप इंस्टॉल होने लग जाएगा। ऐप इंस्टॉल हो चुका है, अब होम पर आएंगे, यहाँ पे आप देखिए पिक्सल लैब ये वाला मैं यहाँ पे आ चुका है। अब इसको ओपन करेंगे, अब यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया तो परमिशन मांग रहा है, पहले परमिशन नहीं मांग रहा था, अब परमिशन मांग रहा है, अब इसको हम अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कोई भी दिक्कत हमको नहीं आ रही। अब यहाँ पे गैलरी की बात हुई थी तो मैं फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करूँगा, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद हमारे जो गैलरी में जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमको शो होने लग गई हैं, मैं उन पर क्लिक करके उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद दिक्कत हमारी ये भी आ रही थी कि हम उसके ऐप इन्फो में जा रहे थे, ऐप के में ऐप परमिशंस पे जाएंगे, जो यहाँ पे नो परमिशन अलाउड और नो परमिशन डिनाइड लिखा हुआ था ना, वो भी यहाँ से गायब हो चुका है और यहाँ पे जो हमने परमिशन दी थी वो परमिशंस यहाँ पे हमको शो हो रही हैं। तो यहाँ पे सारा काम हमारा हो चुका है। यदि अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।